लेकर तो आप कहाँ से आए? मैं सर जौनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी से बिलोंग करता हूँ। ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट मड़ियाओ तहसील पट्टी जमालापुर हमारा गाँव है। ठीक है, वहाँ पे हमको यहाँ पे नाला सुपारा में रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम शुक्ला और आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज फ्रेंड्स मैं आपको सर से इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ जो यूपी से स्पेशली आए घर घंटी परचेस करने के लिए। इनको एक छोटा सा अपने गांव में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सर को मैं मशीन का प्रोसेस बताने वाला हूँ, ट्रांसपोर्ट में मशीन कैसा जाएगा, पेमेंट का सिस्टम कैसा है। टोटली सर यहाँ के लोकली है, बॉम्बे में ही रहते हैं, लेकिन ये अपने फादर के लिए गांव में छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं आफ्टर लॉकडाउन के बाद। तो ये मशीन गांव में भेजने वाले हैं, तो मैं इनसे मिलाता हूँ और मशीन का पूरा प्रोसेस और कैसा कम्प्लीट मशीन जाता है वो मैं दिखाता हूँ। ये हमारे सर है, सर का सर आपका नाम? रुपेश तिवारी। मैं कमर्शियल मशीन लेने वाला हूँ जिसमें कि जिसकी कैपेसिटी लगभग कमर्शियल में 3 SP में कितना कैपेसिटी है उसकी? एक घंटे में मिनिमम 20-25 kg प्रोडक्शन आता है, उससे कम भी आता है। वो सब जाली के ऊपर सेटिंग रहता है, जिस टाइप से आप जाड़ा बारीक लेंगे उसके हिसाब से आपका आटा जाड़ा बारीक सिंगल फ्रेस से चलेगा। हाँ राइट। इसकी कैपेसिटी कितना है पर घंटे पर आवर्स? पर घंटे में बताया ना आपको 20-25 kg, मतलब 20-25 kg पर घंटे का प्रोडक्शन रहेगा। इसमें जाली कौन सा यूज करने की बोले? इसमें टोटली 6 जाली आएगी, जैसा 1 नंबर से लेके 6 नंबर तक, जाड़ा बारीक जिस टाइप से आपको चाहिए वो भी कर सकते हैं। प्लस आपको गांव के लिए जैसा जानवर के लिए फीड बनाना, दलिया बनाना है गाय भैंस के लिए, तो स्पेशली जाली आता है। नॉर्मल तो 6 नंबर में हो जाता है, स्पेशली जो जाली आता है 8 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर वो भी जाली मिलता है। ओके अच्छा, ये सिंगल प्रेस में इसका यूनिट कितना मिल जाएगा? मिनिमम एक घंटे में 3 HP का 2-2.5 यूनिट पर आवर का कंज्यूमिंग रहता है। उसका कैपेसिटी है 20-25 kg। राइट। मैं गांव के लिए चक्की ले रहा हूँ, अपने पापा के लिए ले रहा हूँ बिजनेस पर्पस से। ओके, तो ये 100% सक्सेस है? एकदम 100% सक्सेस है, सिंगल फेस पे रहता है, ज्यादा मगजमारी नहीं। सबसे बेटर इसमें चीज क्या है, फुल्ली ऑटोमेटिक, अनाज डालते ही ऑटोमेटिक मशीन, कोई ऑपरेट नहीं। आइए मैं आपको मशीन डायरेक्ट दिखा के आपको मशीन के बारे में समझाता हूँ। तो लाइफ स्पीड दिखाता हूँ। तो सर देखिए, ये है फुली ऑटोमेटिक मशीन, 3 HP हैवी ड्यूटी। ओके, इस टाइप से पैकिंग होता है, जब भी ट्रांसपोर्ट में जाता है इसके और सेफ्टी के साथ पैकिंग किया जाता है। ओके, ये इसमें खरोच नहीं है कहीं जाएगा? नहीं नहीं, कोई पैकिंग वगैरह में कुछ डैमेज नहीं होता, ये हमारा ब्रांडिंग। अच्छा, इसमें करंट को हाउ टू ऑपरेट, इसमें करंट आने का कोई चांस? कोई चांसेस नहीं, स्टील का रहता है। वैसे कुछ मेंटेनेंस सर्विस क्या है? मैं बताता हूँ, मेंटेनेंस सर्विस सब बताता हूँ। यहाँ पे जाली जैसा हाउ टू ऑपरेट, क्या कैसे क्या करना है, कौन से जाली क्या चीज आपको करना है, सारे फीचर्स एंड डिटेल आपको दिया है। सेकेंड चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है वारंटी कार्ड, जो यहाँ पे मेंशन किया रहता है, जैसे हमारे डीलर से लेंगे यहाँ से। और 95% तो डीलिंग होता है डायरेक्ट मेन हेड ऑफिस बॉम्बे से ही डीलिंग होता है। पेमेंट एडवांस कंपनी के अकाउंट में करना रहता है। अगर आप नहीं भी आते हैं, जैसा ये सर आगे वहाँ से इतना लंबे से, अगर यहाँ लोकल रहते तो देखने आ सकते आप, अगर नहीं भी आ सकते तो डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे डिटेल भेज दिया जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट पेमेंट फुल एडवांस करके आप डायरेक्ट बुक कर सकते हो। ओके, ये वारंटी कार्ड हो गया, इसको साइड में करते हैं। 6 जाली आ जाता है, जैसा जाड़ा बारीक उसके हिसाब से आपको लगाना रहता है। ये 1 नंबर है। ओके, यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, टोटली 6 जाली आ जाता है। ओके, आप और ये आ जाता है यहाँ पे कम से कम 10-15 kg का। इसमें अनाज कितना आएगा? मिनिमम 10-12 kg तक आराम से अनाज बैठ जाएगा। अच्छा, इसकी स्टोरेज डब्बे के स्टोरेज का बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो चीज है, ये जाली आपको अपने नंबर के हिसाब से, आपकी क्वालिटी के हिसाब से सिलेक्ट करना है। जाली इस तरह से फिट करना है। ओके, फिट करने के बाद इसको चैम्बर को लॉक कर देना। ओके, यहाँ पे फुल टाइट लॉक हो जाएगा। यहाँ पे आपका चैम्बर एंड कंटेनर, यहाँ पे इंस्टॉलेशन फिट रहता है। जब भी आपको करते हैं ना, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ कैसा लगा रहता है। ओके, इसका ये इसका डब्बा नहीं है, यहाँ पे इसका न्यू डब्बा पैक है, इक्विपी पैक पीस ही आता है, रेडी पीस आता है। ओके, इस तरह से आपको यहाँ पे डब्बा और कंटेनर लगाने को मिल जाता है। ओके, रहता है स्टार्टिंग में न्यू मशीन रहता है, टाइट रहता है। और जब यहाँ पे डब्बा हट जाएगा तो मशीन, ये डब्बा जो रहेगा प्रॉपर यहाँ पे स्टेबल हो जाता है। और एक एक्स्ट्रा थैली आता है जो 10 किलो का, 10-15 किलो का थैली लगा रहता है पूरा प्रोडक्शन निकालने के लिए। इसमें अनाज में कोई भी संबंधी अनाज हम कोई कर सकते हैं? कोई भी, इसमें जैसे लाइक गेहूँ, चावल, ज्वारी, बाजरी, मक्का और आपको
कुछ भी ड्राई मटेरियल में आप कुछ भी ग्राइंडिंग कर सकते हैं बिंदास। इसकी मोटर की क्या है कैपेसिटी, मतलब उसका वाइंडिंग वगैरह है कॉपर 100% फुल कॉपर वाइंडिंग के साथ विद सिलिकॉन स्टैंपिंग के साथ आता है। जल्दी मोटर हीट नहीं होता है। ओके, आपको मशीन को कंटिन्यू 2 घंटा चलाने के बाद मिनिमम फॉर एग्जाम्पल इसमें 25 kg का प्रोडक्शन आ रहा है, तो 2 घंटा यूज करने के बाद आपको आधे घंटे के लिए मशीन को रेस्ट दे दो। तो हमने अच्छा इसका मेंटेनेंस के बारे में आपसे पूछा। मेंटेनेंस फॉर एग्जांपल एक चीज का मेंटेनेंस रहता है, मेंटेनेंस में फॉर जैसा ही आ जाता है जाली, जितना आप जाली यूज करेंगे जितना प्रोडक्शन आप करेंगे, या तो आपके गेहूं में कंकड़ पत्थर गया तभी जाली डैमेज होता है। ओके, ये जाली मोस्टली जालियां आराम से मिल जाएगी, इसलिए मेरे पास कभी भी आप कॉल करो। यूपी कहीं भी, यूपी मड़िया हूँ जमालापुर पट्टी आपको सर, कहीं भी आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हमारा हर जगह जाता है, पोस्ट ऑफिस से जाता है। ये सब पार्सल रेडी होके पोस्ट ऑफिस अकाउंट में एडवांस पेमेंट, मतलब इसके लिए हमको ज्यादा झंझट नहीं है, इजीली हमको मिल जाएगा। राइट, कहीं से भी मिल जाएगा, आप यहाँ से फोन करते इजीली मिल जाएगा। राइट राइट, हमको ये कॉमर्शियल यूज 100% सक्सेस है। 100% सक्सेस है, इसमें कोई मतलब मेंटेनेंस का नाम का कोई चीज नहीं, मतलब ये जाली मेंटेनेंस में जाली आपका डैमेज होता है, यही आपको चेस करनी रहती है। बाकी और ऐसे मेजर 1 फेस पे चलने वाली है सिंगल 2 यूनिट पर हावर्स, मिनिमम 2 से 2.5। अभी आपको मशीन चालू करके दिखाता हूँ। ओके ओके, जैसे हम मशीन को स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा म्यूजिक आता है, कभी भी ये चीज बहुत डेंजर रहता है, इसको हमेशा फ्रंट डोर को लॉक करके रखना है, ये मतलब एक्सीडेंटल चांस है। और रहता है कि जैसा बच्चे लोग के लिए नहीं रहता, आप कमर्शियल आप बड़े आदमी यूज करें तो ऐसा भी जल्दी कोई चांस आएगा नहीं, वो आपको खुद को ध्यान में रखेगा। ओके, मशीन स्टार्ट हो गया है। ओके, जैसा आप यहाँ पे अनाज फिलअप करेंगे मशीन ऑटोमेटिक चालू हो जाती है, ऑटोमेटिक खत्म होने के बाद इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक। सर ये ट्रांसपोर्ट कैसा आपका मैनेज करते हैं, हमारा मशीन को यूपी में भेजना है। ट्रांसपोर्ट इस थ्रू के रहता है, VRL ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाता है, सेंपेक्स के थ्रू, जितने भी इंडिया की बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट सर्विस रहती है उसके थ्रू जाता है। VRL, सेपेक्स एंड और बहुत सारे हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, ब्लू डॉट हो गया, ETDC हो गया, उसके थ्रू भी जाता है। जैसा आपका ट्रांसपोर्ट आपके वहाँ पे पिन कोड के ऊपर और आपके एड्रेस के ऊपर डिपेंड रहता है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट का सर्विस अवेलेबल है कि नहीं। एक से मतलब नॉर्मली जिसे आज मैंने मशीन आके बुक करके यहाँ से आपके यहाँ से चले गया तो कितने दिन के अंदर हमारे मिनिमम, आज जैसा आज आपने बुकिंग किया पेमेंट डाला तो आज आपका तुरंत सेम डे रेडी होके ट्रांसपोर्ट में चला जाता है। अभी वो ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने टाइम मिनिमम उन लोग टाइम टू पीरियड लेते हैं, 10 दिन के अंदर आपके घर इजीली आपका मटेरियल पहुंच जाता है। ओके, मतलब 2 से 3 से 4 दिन के अंदर हमारी मशीन डिलीवरी चली जाएगी यहाँ से, सेम डे डिस्पैच या तो सेकेंड डे डिस्पैच हो जाएगा, तुरंत डिस्पैच हो जाता है। उसके बाद आपका ट्रांसपोर्ट या तो ट्रांसपोर्ट के ऊपर डिपेंड होता है, उन लोग मिनिमम 10 डेज का हमसे टाइम पीरियड लेते हैं। ओके, और इसकी वारंटी क्या है सर? 1 ईयर फुल वारंटी रहेगी, मोटर का वाइंडिंग एंड सर्किट कंट्रोलर पैनल, जो फुली ऑटोमेटिक सर्किट रहता है उसका 1 ईयर का वारंटी आता है, मोटर का भी वारंटी रहता है। अगर जैसा आपका मोटर जल गया तो डायरेक्ट रिप्लेसमेंट करके मिलता है, रिपेयर नहीं मिलता है। ओके, आपको यहाँ से न्यू मोटर ट्रांसपोर्ट में डाल दिया जाएगा और आपका इंस्टॉल करने के बाद सेकेंड मोटर हमको जो मोटर जला हुआ रहेगा रिवर्स करना रहेगा। कंट्रोलिंग पैनल का भी सेम सिस्टम रहेगा, जो भी स्पेयर पार्ट खराब होता है रिप्लेस आप मुझे डालें, मैं यहाँ से सेंड करूंगा न्यू स्पेयर पार्ट, आप इंस्टॉल करने के बाद मुझे रिप्लेस करेंगे सेकेंड पार्ट इन वारंटी। आउट वारंटी में आपका स्पेयर पार्ट आपके पास ही रहेगा। आउट वारंटी में हो गया फिर भी आप सर्विस कैसे? आउट वारंटी में आपको लाइफ टाइम तक सर्विस मिलेगा आपको। okay. कभी सर्विस के लिए कोई झंझट नहीं, कोई नहीं। okay. आपको टोटली हमारी टेक्निकल टीम रहती है, मशीन में कुछ भी फॉल्ट आता है टेक्निकल टीम से कॉन्टेक्ट करो, आपको आपको सपोर्ट देगी, आपको कैसा क्या करना है, क्या कनेक्टिंग करना है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सब आपको सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसके प्राइस के बारे में बता दीजिए। प्राइस देखो सर, ऐसा प्राइस ना फ्लैक्चुएट होते रहता है, मार्केट के ऊपर डिपेंड होते रहता है कि आपको ओपन प्राइस नहीं बता सकते, जैसा आप बुकिंग करेंगे उसके हिसाब से अलग अलग जो MRP रहता है, MRP से 5% 10% लेस में ही आता है। ठीक है, तो मशीन बुकिंग कर दीजिए मेरा। अभी देखिए जैसा ये हमारा एक कस्टमर से शायद से कुछ उनका सैंपल आया है, उनके स्पेयर पार्ट का कुछ मिसिंग था, तो इन्होंने महावीर कुरियर पुणे से कहाँ से भेजा है,
पुणे महाराष्ट्र से भेजा है, उनका कुछ स्पेयर पार्ट सैंपल है। ओके हाँ ठीक है ओके, यहाँ से पुणे से सैंपल आया है, इनका टेस्टिंग होके इनके पास जो स्पेयर पार्ट रहता जाएगा, स्पेयर पार्ट अदर कंपनी का भी मिल जाता है। इसका नेक्स्ट वीडियो में अनबॉक्सिंग कभी करूंगा। ओके इसके साइड में रखता हूँ, ठीक है। ये मशीन को बुकिंग करो, ट्रांसपोर्ट में डलवा दीजिए। सर पेमेंट का प्रोसेस कैसा रहता हमारा? 100% आपको कंपनी के अकाउंट में, जो कंपनी का अकाउंट आपको डिटेल दिया जाता है, जस्ट लाइक जीएसटी नंबर, यहाँ पे हमारा ऑफिस रजिस्टर्ड ऑफिस है, कंपनी का करंट अकाउंट रहता है, आपको नीचे टोटली डिस्क्रिप्शन में डिटेल दिया हुआ है। पेमेंट एडवांस करना रहता है, चेक कैश ऑनलाइन एनएफटी या तो आईएमपीएस के थ्रू कैसा भी आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप नियर बाय में है तो कैश भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, प्रॉपर बिल आपको मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मशीन गांव में भेज रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे कैश पेमेंट कर दे रहा हूँ, मशीन मैं गांव में भेज रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं सर, लेके जाओ। सर्विस की कोई सारी जिम्मेदारी कंपनी की होती है, एक साल वारंटी में, आउट ऑफ वारंटी में भी सर्विस में हमको आराम से मिलती है। फ्रेंड्स अगर आपको मशीन अगर कमर्शियल के लिए चाहिए तो मुझसे कॉन्टेक्ट करो, अगर जिसको भी चाहिए उनके साथ ये वीडियो लाइक सॉरी शेयर करना जिसको भी लगता है। और सर आपका एक बार रिपीट डिटेल कर दो, आप कहाँ से आए? इसमें मैं सर जौनपुर डिस्ट्रिक्ट यूपी से बिलोंग करता हूँ, ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट जौनपुर डिस्ट्रिक्ट मड़िया तहसील ओके पट्टी जमालापुर हमारा गांव है। ओके ठीक है, वहाँ पे हमको एक और रहने का यहाँ पे कहाँ रहने पे? मैं यहाँ पे नाला सुपारा में रहता हूँ। ओके ओके ठीक है सर, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मशीन चाहिए तो तुरंत मुझे कॉन्टेक्ट करो, आपको ऑल ओवर इंडिया हमारा सर्विस रहता है, दिल्ली वेस्ट बंगाल यूपी वगैरह। मेन स्पेशल इस चीज क्या होता है सर, यहाँ पे यूपी वाले डरते हैं एडवांस पेमेंट करने के लिए, ये कंपनी का अकाउंट डिटेल है, या तो अगर आप सेल्फ शोरूम में विजिट कर सकते हैं, आप ऑफिस में आइए विजिट करिए, सामने सामने मशीन देखिए, लेके जाइए, उसके बाद यूज करने के बाद आप जो भी आपका डिटेल है करिए। अच्छा ये अंजलि के नाम पे आपका? ये अंजलि का ही ब्रांड। ओके ठीक है सर, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक करके जरूर बताना, और आपका कुछ भी डाउट है नीचे कमेंट कर देना, वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, आपको हर एक वीडियो का नेक्स्ट अपडेट मिलते रहेगा। ओके थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।